यह कलियुग का शुरुआत है या कलियुग का अंत? क्या कलियुग के समाप्ति में अभी भी 4 लाख वर्ष से अधिक बाकी है? क्या घोर कलियुग शुरू हो गया है? कल की अवतार कब जन्म लेंगे या फिर वो अवतरित हो चुके हैं? इस विषय पर आपको पुस्तक, टीवी एवं इंटरनेट में अनेक ज्ञान प्राप्त हो जाएंगी। कुछ कलियुग को 4 लाख वर्ष का बताएंगे और कुछ तर्क देंगे कि अभी द्वापर युग शुरू हो चुका है। कोई कहेगा कि भगवान कल्कि के जन्म लेने में अभी भी देर है और कोई इस तर्क को खंडित कर यह कहेगा कि कल्कि अवतार जन्म ले चुके हैं। परंतु सत्य क्या है? पिछले 1 वर्ष से हम इसी सत्य को जानने की चेष्टा कर रहे हैं। इस सत्य को जानने के लिए हमने पुराण तथा अनेक पुरातात्विक, खगोलीय एवं प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमाणों का गहन शोध किया है और इसी शोध से अर्जित तथ्य को आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम यहां स्पष्ट करना चाहते हैं कि गुरुदेव द्वारा दिए गए ज्ञान को हम अपने शोध से अर्जित तथ्यों से तुलना करेंगे। गुरुदेव ने हमें काल, कलियुग एवं महावतार श्री कल्कि के विषय में जो ज्ञान प्रदान किया है, उन सकल ज्ञान को हम इस श्रृंखला में प्रदर्शित करने वाले हैं। वेदविक के इस प्रस्तुति में हम आपके समक्ष कुछ कटु सत्य को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हो सकता है हमारे कुछ दर्शक वृंद इस प्रस्तुति से असहमत हो। इसका मुख्य कारण है, सत्य सर्वदा कड़वा होता है। इस प्रस्तुति को पुस्तकीय तर्क, इंटरनेट एवं टीवी धारावाहिकों के ज्ञान से तोलना उत्तम नहीं होगा। अतः हम आप सभी से प्रार्थना करेंगे कि कृपया मन को शांत कर इस प्रस्तुति को श्रवण करें, अन्यथा इस प्रस्तुति को ना देखें। आज के इस प्रस्तुति को शुरू करने से पूर्व हम हमारे प्रायोजक कर्ता कुकू FM के आभारी हैं। उन्हीं के सहायता से हम नवीनतम ज्ञानपूर्ण प्रस्तुतियों का भंडार आपके समक्ष प्रस्तुत कर पा रहे हैं। पेरेंटिंग टिप्स की खोज में पत्नी से लेकर बिजनेस और फाइनेंस टिप्स की खोज करने वाले पति तक, अपनी मानसिक एवं शारीरिक फिटनेस में सुधार की खोज में फिटनेस के प्रति जागरूक भ्राता भागिनियों से लेकर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन के लिए पौराणिक कथा एवं आत्मकथाओं को सुनने वाले किशोरों तक, कुकू FM के ऑडियो शो में इस प्रकार के सकल आवश्यक ज्ञान का उत्तर प्रदान किया जाता है। ज्ञान ही जीवन का आधार है और इसी मानसिकता से कुकू FM प्रत्येक परिवार को ज्ञानपूर्ण बनाना चाहता है। वैसे तो उनका वार्षिक शुल्क है 399 रुपए, परंतु यदि आप हमारे कोड VD50 को व्यवहार करते हैं तो आपको 50% की छूट प्राप्त होगी, अर्थात केवल मात्र 199 रुपए में आपको 1 वर्ष का सदस्यता प्राप्त होगा। परंतु ध्यान रखें, यह कोड प्रथम 250 व्यक्तियों के लिए ही व्यवहारिक रहेगा और पंजीकरण करने के पश्चात हम चाहेंगे कि आप भक्ति दर्शन नामक पुस्तक को श्रवण करें। तो आज ही जाएं एवं कुकू FM के साथ अपने घर को ज्ञान से प्रकाशमान करें। लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। आज की यह प्रस्तुति केवल इस श्रृंखला के आने वाले भागों का मूल सूचक है, जिसमें हम केवल कलियुग से संबंधित भ्रांत धारणाओं को खंडित करने वाले हैं। अतः हृदय को थाम कर बैठ जाएं एवं पूर्ण रूप से मुक्त चित होकर इस प्रस्तुति को श्रवण करें, क्योंकि हम तर्क नहीं तथ्य सहित सत्य प्रदर्शित करने वाले हैं। तो अधिक विलंब न करते हुए हम आज की यह प्रस्तुति शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इस प्रस्तुति को शुरू करने से पूर्व कहा था, इस प्रस्तुति में हम तर्क के आधार पर नहीं परंतु गुरुदेव की वाणी एवं तथ्य के आधार पर विश्लेषण करेंगे। हो सकता है हमारे इस विश्लेषण से आप में से कुछ लोग संतुष्ट न हो, परंतु हम जो कुछ भी आपको आज दिखाएंगे इसे मुक्त चित होकर श्रवण करें। गुरुदेव कहते हैं, मनुष्यों को सर्वदा ग्रहणशील होना चाहिए। विचार तो सभी के अलग अलग होते हैं, परंतु एक ज्ञानी मनुष्य सर्वदा सभी के विचारों को श्रवण करता है एवं उनके विचारों को सम्मान करता है। आपके विचार भले ही हमसे भिन्न हो, परंतु हम उसे भी जानना चाहेंगे। कृपया इस प्रस्तुति को देखने के पश्चात अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से प्रदान करें। आज हम सभी यह जानते हैं कि भगवान श्री विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि कलियुग के अंत में अवतरित होने वाले हैं, परंतु विडंबना यह है कि कलियुग को शेष होने में कितना समय बाकी है यह किसी को स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं। तर्कशास्त्री अभी तक तर्क के आधार पर ही प्रमाण प्रस्तुत करने की चेष्टा कर रहे हैं। अधिकांश लोग मानते हैं कि श्री कृष्ण ने 3102 ईसा पूर्व में मर्त्यलोक से गमन किया था और उनके जाते ही कलियुग का आगमन हुआ, परंतु यह वार्षिक संख्या हमें कहां से प्राप्त हुआ? यह संख्या भारत के महान ज्योतिषविद एवं गणितज्ञ आर्यभट्ट द्वारा दिया गया था।
उनके द्वारा रचित पुस्तक आर्यभट्टीय गणित एवं खगोल विज्ञान का एक पूर्ण संग्रह माना जाता है। इसी पुस्तक में उन्होंने यह अनुमान लगाया था कि वे जब 23 वर्ष के थे तब कलियुग का 3600 वर्ष पूर्ण हुआ था। अतः अधिकांश विद्वानों ने उनके इस विचार को सहमति देते हुए कलियुग का आरंभ सम 3102 में स्थिर किया, अर्थात कलियुग को शुरू हुए 5000 वर्ष से अधिक हो चला है। परंतु इस तथ्य की पुष्टि कैसे किया गया कि सम 3102 ईसा पूर्व में ही कलियुग आरंभ हुआ है, इसे जानने के लिए हमें समय में तनिक पीछे जाना होगा। तो चलिए हम इसे भी विस्तार पूर्वक समझते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि महाराज परीक्षित के परलोक गमन के पश्चात कलियुग का आगमन हुआ और धीरे धीरे पृथ्वी पर अधर्म, अज्ञानता एवं अराजकता बढ़ने लगा। इसके साथ साथ मनुष्यों की उच्चता, आयु, बुद्धि एवं स्मृति क्षय होने लगी और इसी स्मृति क्षय के कारण वश अधिकांश मनुष्य सनातन ज्ञान को भूलने लगे थे। अथ वेद एवं शास्त्र ज्ञान मौखिक रूप से नहीं लिखित रूप में प्रचार किया जाने लगा। अर्थात आज के इस कलियुग में जो भी लिखित ग्रंथ तुम्हें प्राप्त हो रही है, इसे त्रेता या द्वापर में नहीं बल्कि कलियुग में ही लिखा गया है। यदि तुम महाभारत को ठीक से पढ़ोगे तो तुम यह स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि महाभारत का ज्ञान मौखिक रूप से प्रचार होता था। सर्वप्रथम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने वैशंपायन को महाभारत रचना सुनाया था। तत्पश्चात ऋषि वैशंपायन ने जन्मेजय समेत अन्य ऋषिगणों को यह ज्ञान प्रदान किया। उन ऋषिगणों में से एक थे सूत महामुनि उग्रश्रवस्सौती और इसके पश्चात सूत महामुनि ने ऋषि शौनक सहित अन्य ऋषिगणों को यह कथा सुनाया था, जिसे आज तुम सभी लिपिबद्ध रूप में पाठ करते हो। यह भी तो हो सकता है कि अनेक ऋषि एवं मुनियों ने इस कथा को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित किया एवं अंत में जब मस्तिष्क में यह विशाल कथा नहीं समा रहा था तभी किसी एक बुद्धिमान ने इसको लिपिबद्ध किया। तनिक तुम लोग सोच कर देखो, जानो और समझने का प्रयत्न करो कि जब महाभारत लिखा गया था तब तक कलियुग कितना गंभीर हो चुका होगा। और जैसा कि तुम जानते हो कि कलियुग के डाल में कुछ काला तो गिरेगा ही, अन्यथा अराजकता, मतभेद, अज्ञानता एवं अविश्वास कैसे फैलेगा। अतः यह विचार मैं तुम लोगों पे छोड़ता हूँ। आज के मनुष्य तो इन्हीं पुस्तकों के लेखों पर लड़ते झगड़ते हैं। ज्ञानी वो नहीं जो इन्हें रट ले, परंतु ज्ञानी वो होते हैं जो इन लेखों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमने गुरुदेव से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, तो क्या पांडव वंश या महाभारत कालीन वंशज आज भी जीवित हैं? गुरुदेव कहते हैं, हो सकता है, परंतु इसका प्रमाण कौन देगा और यह जानकर भी तुम्हें क्या प्राप्त होगा। कली काल ने तो अपने चक्र से तुम सभी को बांध लिया है। प्रेम, सदाचरण, त्याग, सत्यवादिता एवं दान, सनातन वैदिक संस्कृति के इन 5 स्तंभों को तो आज के मनुष्य भूल चुके हैं। द्वापर के अंत से ही काल के इस खेल में मनुष्य विभोर होता रहा है। जिस सत्ता के लालच में धृतराष्ट्र ने अपना सर्वस्व खो दिया था, कलयुग में उसी सत्ता को प्राप्त करने के लिए और भी लोभी मनुष्यों का उदय होने लगा। इसी समय काल में मनुष्य अपने वैदिक धरोहर को खोने लगे। वह महाभारत एवं रामायण जैसे कथाओं से ज्ञान प्राप्त करने के जगह अज्ञान बनने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और कलियुग का प्रभाव बढ़ता गया और मनुष्य अपने अहंकार जनित श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने के लिए आकुल होने लगे। एक राजा ने अपने वंश के श्रेष्ठता को इतिहास में प्रदर्शित करने हेतु पांडव वंश से स्वयं को जोड़ दिया और उसे देखकर किसी और ने सूर्य वंश, चंद्र वंश इत्यादि इत्यादि से स्वयं को जोड़ने लग गए। यह उदाहरण समझने के लिए तुम्हें भारत के समीप अन्य देशों के इतिहास को भी देखना होगा। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया समेत अनेक देशों के शासकों ने अपने वंश को रघु वंश से जोड़ा है। थाईलैंड के लोग यह मानते हैं कि अयोध्या या अयोध्या ही प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है। इसे प्रमाणित करने के लिए राजा महाराजाओं के द्वारा नवीन रूप से वहां के इतिहास को रचा गया था। प्रभु श्री राम से स्वयं को जोड़कर यह राजा एवं महाराजा केवल अपने प्रजा के मन में एक सम्मान प्राप्त कर राजनैतिक लाभ उठाना चाहते थे। भारत में भी ऐसा अनेक बार किया गया है। कई लोगों ने अपने राजनैतिक एवं सामाजिक पद वृद्धि हेतु स्वयं को श्री राम, पांडव अथवा श्री कृष्ण के वंश से जोड़ने की चेष्टा की है। हमारे मन में अनेक प्रश्नों की वर्षा हो रही थी, अतः हमने गुरुदेव से पुनः प्रश्न किया। अच्छा गुरुदेव, तो कलियुग शुरू कब हुआ? कितने लोग कहते हैं कि कलियुग 5000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था, क्या यह सत्य है? यह सुनकर गुरुदेव कहते हैं कि
किसने कहा कलियुग 5000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था? क्या तुम्हें ज्ञात है किसने कलियुग के स्थापन वर्ष को प्रदान किया था? यदि हम कलियुग के उषाकाल को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने लगे तो हमें एक ऐसा युग दिखने लगेगा जहां केवल सत्ता प्राप्ति के लिए युद्ध किया जाता था, शांति एवं समाज कल्याण अति अल्प समय के लिए आता जाता था। कितने साम्राज्य बने एवं उजड़े, कितने रक्त की नदियां बही, कितने नए समाज बनने लगे और इन समाजों में नवीनतम आस्था का जन्म भी हुआ, कितने नए नियमों का आविर्भाव हुआ और इन नियमों को संरक्षित एवं पालनी हेतु संप्रदायों का उदय हुआ। चतुर व्यक्तियां स्वयं को ब्राह्मण उपाधि देते हुए इन संप्रदायों के शिखर पे चढ़ गए। शक्तिशाली एवं युद्ध कला में लिप्त व्यक्ति को क्षत्रिय बनाया गया और व्यवसाय एवं वाणिज्य में लिप्त व्यक्तियों को वैश्य बना दिया गया, और जो समाज के भरण पोषण आदि के लिए उत्तरदायी थे उन्हें शूद्र का दर्जा दिया गया, एवं अंत में जो इस वर्ण प्रथा को अस्वीकार करते थे उन्हें समाज के बाहर अछूत श्रेणी में रख दिया गया। जिस ग्रंथों को ज्ञान प्रदान का स्रोत माना जाता था उसे भी तोड़ा मड़ोड़ा गया। जातिवादी प्रथा को इन ग्रंथों में युक्त किया गया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र कर्म से बनते हैं, जन्म से नहीं, परंतु आस्था को ढाल बनाकर सभी राजनीति करने में व्यस्त हो गए। जिस वैदिक संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम से एकता का पाठ पढ़ाया उसी संस्कृति को तोड़ते हुए कलियुग ने मनुष्यों को विभाजित कर दिया। काल का चक्र चलता गया और अपने वैदिक संस्कृति एवं उसके धरोहर को हमने भुला ही दिया। अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया और वे भी इस सत्य से परिचित हुए। उन्होंने अपने विचारों को सार्वजनिक करने की भी चेष्टा की। मानव नारायण रूपम अस्ति का पाठ उन्होंने पढ़ाया, परंतु कलिकाल ने तो सभी को अपने वश में कर लिया था। धन ही एक व्यक्ति के लिए ईश्वर समान होने लगा। समय में आगे चलते चलते विज्ञान भी उन्नत होने लगा। कलियुगी भारत ने अनेक गणितज्ञ, ज्योतिष आचार्य, खगोल शास्त्री आदियों को जन्म दिया, और इन्हीं में से एक थे आर्यभट्ट, जिन्होंने खगोल विज्ञान, ज्योतिष एवं गणित के सहायता से कलियुग के प्रारंभ दिवस को अंकित किया। इसमें कोई दोराह नहीं है कि आर्यभट्ट एक महान ज्योतिषविद एवं गणितज्ञ थे, परंतु वे कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त ऋषि अथवा महात्मा नहीं थे। गुप्त वंश के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के राजसभा में वे केवल एक खगोलविद, ज्योतिषविद एवं गणितज्ञ थे। उस समय उज्जैन राज्य ज्ञान एवं विद्या का केंद्र हुआ करता था, जहां गुप्त शासन के अंतर्गत कला, विज्ञान एवं भारतीय संस्कृति के कई विद्यालय फलफूल रहे थे। आचार्य आर्यभट्ट द्वारा रचित पुस्तक आर्यभटीय में उन्होंने कलियुग के काल को वर्णित किया था। इसके एक लेख में उन्होंने सन 3102 ईसा पूर्व को कलियुग का प्रारंभ बताया और इस लेख को स्वीकृति स्वयं चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने दिया था। जब सम्राट ने इसे स्वीकार कर लिया तो साधारण प्रजा कैसे इसे अस्वीकार कर सकते थे। इसके पश्चात सभी के मस्तिष्क में यह बैठ गया कि कलियुग का आरंभ सन 3102 ईसा पूर्व में हुआ था, परंतु आचार्य आर्यभट्ट ने जिस शास्त्र से अनुसंधान किया था उसे तो कलियुग में लिखा गया था और न जाने कितनी बार उसे संशोधित किया गया था। अथ क्या इन ग्रंथों में वर्णित द्वापर युग के अंतिम क्षण का वर्णन एवं ग्रह नक्षत्र दशाओं का उल्लेख स्वीकार योग्य माना जाएगा? यह सुनकर हमने गुरुदेव से प्रश्न किया, हे गुरुदेव, यदि कलियुग सम 3102 ईसा पूर्व में नहीं शुरू हुआ था तो यह कब हुआ था? क्या यह 400,000 वर्ष पहले शुरू हुआ था? गुरुदेव मुस्कुराते हुए हमसे प्रति मंत्रण प्रश्न पूछते हैं। यदि मैं कह दूं तो यह जानकर तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? क्या तुम लोक काल की गति को रोक पाओगे या तुम उस समय में यात्रा कर सकोगे? और यदि मैं तुम लोगों को सत्य बताऊं तो क्या तुम्हें यह विश्वास होगा? हमने गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए पूछा, हे गुरुदेव, आपका प्रत्येक वाक्य हमारे लिए ईश्वर की वाणी है। आप जो कहते हैं वही हमारे लिए वेदों की वाणी है। आप ही हमारे ज्ञान के स्रोत हैं, अतः कृपा कर हमें यह ज्ञान प्रदान कीजिए। हमारे उत्तर को सुनकर गुरुदेव कहने लगे, मेरे प्रिय पुत्रों, कलियुग प्रारंभ हुआ आज से 8972 वर्ष पूर्व। सन 6949 ईसा पूर्व में द्वारका समेत यदुकुल समाप्त हो गया और प्रभु श्री कृष्ण के गमन के पश्चात ही कलियुग का आगमन हुआ। हमने गुरुदेव से पुनः प्रश्न किया, हे गुरुदेव, तो क्या आज हम जिसे तथ्य मान रहे हैं क्या वो कल्पना है? गुजरात में तो द्वारका के समीप अवशेष भी प्राप्त हुए हैं जो 5000 वर्ष पूर्व समुद्र में डूब गया था।
गुरुदेव हंसते हुए प्रतिउत्तर देते हैं कि क्या आज का द्वारका वहीं स्थित है जहां द्वापर युग में द्वारका हुआ करता था? क्या समुद्र देव ने 9000 वर्ष पूर्व जिसे निगला था उसे वह 5000 वर्ष पूर्व पुनः अवतरित नहीं कर सकते और अल्प समय काल के पश्चात वे पुनः उसे निगल नहीं ले सकते? समुद्र का उतार चढ़ाव ऐसे तो अनेक उदाहरण हैं। यदि महाभारत को समझने की चेष्टा करोगे तो अनेक उत्तर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तुम लोगों के समक्ष तो आधुनिक तकनीक है, विज्ञान है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है। तुम लोग स्वयं मेरे इन बातों का शोध कर लो। विषय में आगे बढ़ते हुए गुरुदेव कहते हैं, द्वापर युग का द्वारका आज के द्वारका से दूर स्थित था। आज यह स्थान अरब सागर के अंतर में स्थित है। यह एक विशाल राज्य था जिसमें अनेक उपराज्य स्थित हुआ करता था। वहां 90,000 से अधिक भव्य राजभवन थे। मूल रूप से द्वारका समुद्र से घिरी हुई एक विशालकाय द्वीपों का समूह था। यदि महाभारत को सटीक रूप से पाठ करोगे तो यह तुम जान सकोगे कि द्वारका के क्षेत्र में मुख्य भूमि के साथ अनेक द्वीप युक्त थे। इनमें अंतरद्वीप, राजसद्वीप, क्षत्रद्वीप, समनाद्वीप, रत्नद्वीप एवं द्वारका द्वीप आदि कुछ प्रमुख नाम हैं। श्री कृष्ण जानते थे कि उनके गमन के ठीक 21 दिन के पश्चात द्वारका डूब जाएगा और उनके गमन के ठीक 21वें दिन ऐसा ही हुआ। इस दिन हिंद महासागर में एक विशाल क्षुद्र ग्रह का समाघात हुआ था। इसका प्रभाव सिद्धि देश अर्थात आज के अफ्रीका सहित अनेक देशों में हुआ था, परंतु सबसे अधिक क्षति प्राचीन भारत के पश्चिमी भाग को पहुंचा। इस समाघात से एक विशाल जलोच्छास अर्थात एक विशाल सुनामी का जन्म हुआ जिसने संपूर्ण द्वारका राज्य को समुद्र के गर्भ में समा लिया। इस विशाल क्षुद्रग्रह समाघात के कारण जलवायु में भी बदलाव आया और समुद्र के स्तर में अनेक गुण वृद्धि हुआ। संपूर्ण द्वारका राज्य के डूबने के पश्चात 1000 वर्ष तक इस स्थान के समीप कोई साम्राज्य नहीं बना। वहां केवल दुर्जय लुटेरों का वास हुआ करता था। अतः लोग यह भूल गए कि वास्तव में द्वारका कहां स्थित था। अंत में कुछ 6000 वर्ष पूर्व कच्छ की खाड़ी में समुद्र तनिक पीछे चला गया और इस स्थान पर वहां के आदिवासियों ने अपना निवास स्थान स्थिर किया, परंतु 5000 वर्ष पूर्व वह स्थान पुनः समुद्र के गर्भ में विलीन हो गया। यह स्थान जीवन व्यतीत करने के लिए अति कठिन हो गया था। आज भी कच्छ के अधिकांश भाग निवास योग्य नहीं है। काल के साथ साथ प्रकृति ने इसके कुछ भागों को निवास योग्य बना दिया है। विशेषतः कच्छ की खाड़ी का दक्षिणी भाग कालांतर में निवास योग्य बन गया। कुछ वर्षों के पश्चात यहाँ मनुष्य निवास करने लगे। अधिकांश मनुष्य पश्चिमी भारत के इस स्थान को द्वारका मानने लगे, परंतु किसी को भी पता न चला कि द्वारका कहाँ स्थित हुआ करता था। आज के समय यह स्थान आस्था का रूप ले चुका है और इसीलिए मेरे इन बातों को जब तुम अन्य लोगों के साथ साझा करोगे तभी उनमें से अधिकांश लोग तुम्हें समाज विरोधी कहने लगेंगे। इसमें उनका कोई दोष नहीं, यह उनके सामाजिक ज्ञान एवं आस्था से जुड़ा हुआ है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाया गया है। यह आस्था एवं भय अब उनके हड्डियों तक घुस चुका है और उसे तुम लोग परिवर्तित नहीं कर पाओगे। अतः यदि तुम दूसरों के विचारों को सम्मान नहीं करोगे तो तुम्हारे विचारों का सम्मान कोई नहीं करेगा। ज्ञान बांटना अच्छी बात है, परंतु ज्ञान थोपना अच्छी बात नहीं। तुम मुझे जानते हो एवं सम्मान करते हो, इसीलिए मेरे बातों पर तुम विश्वास कर लेते हो, परंतु जिसे तुम जानते नहीं पहचानते नहीं उन पर विश्वास कैसे स्थापित करोगे? अतः मुक्तचित्त होकर सभी के विचारों को ग्रहण करना सीखो। अच्छा वक्ता एक मूर्ख भी बन सकता है, परंतु एक बुद्धिमानी व्यक्ति अच्छे श्रोता होते हैं। अतः अच्छे श्रोता बनो और उसके पश्चात ज्ञान प्रदान करो। यदि कोई तुम्हें टोके तो उनसे तर्क न करने जाना, कारण अहंकारी, बधिर, मत्तह एवं मूर्ख के साथ तर्क करना तुम्हारे अज्ञानता का परिचय देता है। हमने गुरुदेव से प्रश्न किया, अच्छा गुरुदेव, क्या कलयुग 4 लाख वर्ष का होता है या यह समाप्त होने वाला है? क्या कल्कि अवतार जन्म ले चुके हैं? गुरुदेव तनिक गंभीर होते हैं और इसके पश्चात वे हमसे कहते हैं कि तुम लोगों को क्या लगता है कि इतने गुड़ रहस्य को महर्षि वेदव्यास लिख देंगे? यह कलयुग है और तुम सभी कलिपुरुष द्वारा संचालित हो रहे हो। यह रावण और कंस नहीं है और न यह त्रेता या द्वापर युग है। महाप्रभु कल्कि के विषय में जानना है तो तुम्हें कलयुग को जानना होगा, और यदि कलयुग को जानना है तो तुम्हें काल को भी जानना होगा। परंतु काल को कौन जानना चाहेगा?
काल से तो सभी डरते हैं, क्योंकि यही तो सत्य दर्शन करवाता है। तो क्या तुम सभी इस सत्य को जानना चाहते हो? गुरुदेव ने हमसे जो कुछ कहा वो आज के युग में जानना अति कठिन है। आने वाले भाग में काल चरित्र के विषय में हम बताएंगे जिस ज्ञान को हमने गुरुदेव से प्राप्त किया है, जहां हम जानेंगे काल चक्र कैसे निर्देशित होता है, कैसे युग शुरू एवं समाप्त होता है, एक एक युग की आयु कितनी होती है, और भी ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए देखते रहे वेदविक। आज के लिए बस इतना ही। हम पुनः मिलेंगे आने वाले सप्ताह में एक नवीनतम प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए ओम तत्सत।